कोयलांचल धनबाद में नए साल की शुरुआत एक और पिकनिक की मस्ती से हुई है। वहीं धनबाद रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में जो लोग दूर के सफर से यहां पहुंच रहे हैं उन्हें खासे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रेल यात्री जो कहीं दूर से आए हैं उन्हें अपने घरों तक जाने के लिए अपने गंतव्य तक जाने के लिए उन्हें वाहन नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है पूछते हैं यहाँ के दुकान जो ऑटो चालक हैं उनसे पूछते हैं और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछते हैं। भाई साहब क्यों आप लोगों ने आज बंदी कर रखा है? देखिए बात यह है कि हम एक जो है बीजेपी का जो है लागू बीजेपी से जुटे हुए हैं और हमने बीजेपी को कभी जो है तो मैंने पीछे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हमारे बंदी की वजह क्या है? बंदी का वजह यह है कि हमारे हेमंत ऐसी अमित शाह निकाले हैं कि हमारे ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाते हैं अगर कोई तरह से घटना हो जाता है दुर्घटना हो जाता है तो उनको जो है तो मैंने 10 साल का जेल और 10,000 या 10 लाख ये पैसा हम कहते जो डिलीवरी करता है आपको लगता है कि मैंने वो सरकार को समझते हेमंत मैंने उनको समझ नहीं आता है कि वो 10 लाख रुपया देने के लिए रहता है उनके पास क्या डिलीवरी करता है उनके ऐसा भी गद्दी पर बैठे हुए रहते जो हमसे सबसे बड़ा हमको लगता है कि हमारा सरकार इतना गंदा काम क्यों कर रहे हैं। इस परिवार से इस सरकार से हमको तकलीफ है और उसके बाद भी अभी इलेक्शन है और इलेक्शन में ही जो है सो बने रखे हैं इस इतना बड़ा विचार तो क्या मोदी सरकार को गिरा रहे हैं। एक और बात बताइए आप लोगों का जो संगठन है समाज में जो बंद कर रहा है वो कितना सफल है अभी तक? बंद तो देखिए हम ये तो बात नहीं कर सकते बंदी का कहीं ये पूरा भारत का बंदी है लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का बंदी होने के मतलब होता है कि सारे गाड़ी बंद होना चाहिए। ये ड्राइवर का मैंने बंदी था लेकिन हम बहुत तरह का देख रहे हैं कि गाड़ी चल भी रही है लेकिन हम उसमें नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियां चल रही है। तो हमको कहने का मतलब ये है कि सरकार इस तरह का योजना क्यों निकाले है। और ये आपको क्या नाम है आपको? हमारा नाम है राजेंद्र पांडे। और भी दुकानदारों से जो यहाँ पर ऑटो चालक है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब बंदी कितना सफल है आप लोगों का? जैसे बंदी जो है सफल तो आप लोग देखिए रहे हैं और ये नया साल में जो कर दिए है मोदी सरकार कि अमित शाह ये बहुत बड़ा जैसे देखिए अभी टोटल ऑटो बंद होता है तो ऑटो से आदमी कहीं पैदल भी चला जाता है। 2024 में तो ये इससे जो हुआ तो पब्लिक ट्रेन से उतरा कहाँ कहाँ गया और अभी रोड में भटक रहा है खा रहा है घर नहीं पहुंच रहा है नया साल में ये अमित शाह बहुत बड़ा गलती किए है। इनका सरकार गिरेगा। हड़ताल कब तक रहेगा? 3 दिन रहेगा। सरकार जो है आज अगर फैसला नहीं लेंगे अमित शाह नहीं अगर फैसला नहीं आया तो हड़ताल कब तक रहेगा वो उसका कहा नहीं जा सकता। उतरे यहाँ उतरने के बाद हमको जाना है प्रभातम मॉल जगह मेरा जय पक्षी है जरा जाने की सुविधा नहीं है अभी शाम चौक में रुके हुए हैं श्रमिक चौक में रुके हुए हैं तो हमको बोले कि हमको वहाँ जाना है। ऑटो चालक क्या बोल रहे हैं? ऑटो चालक कह रहे हैं बंदी है परेशानी तो बहुत ज्यादा है बाल बच्चा दो मेरा बच्चा है परिवार है हम है अभी लोहरदगा सब आ रहे हैं सुबह में भी जाना नहीं चाहते हैं। बुकिंग में तो बात नहीं किए हैं अभी लास्ट में पैदल जाना होगा किसी तरह जाबे करेंगे तो वहाँ जाने के बाद तो व्यवस्था है पर लिए जाएंगे। ये परेशानी ये तो अचानक बंदी हो गई है जो हम लोग भी नहीं समझ पाए क्योंकि हम लोग सुबह में निकले थे कुछ काम से और अचानक जब आ रहे थे आप मालूम कर रहे बंदी है और बंदी होने का मतलब क्या है जो एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन होना है ताकि लोग अपना सुविधा अरेंज कर सकते लेकिन ये अचानक बंदी का कोई मतलब नहीं हो रहा तो कहीं एक होता ना कि हड़ताल का नियम दिया गया तो एक दिन पहले प्रशासन के थ्रू या मीडिया के थ्रू नियम तो वही होता है। पब्लिक को आज सब निकल रहा है पूजा पाठ घूमने फिरने से दिक्कत सभी को हो रही है ऐसा बात नहीं है तो 2 घंटा बाद तो अरेंजमेंट में अपना मन से सब गाड़ी घोड़ा बंद हो
यानी मतलब है कि आप को भी हम गोविंदपुर से गोविंदपुर है, लेकिन आप अगर कोई आप सुबह आए तो टेम्पू से ही अभी हड़ताल हो गया, अभी हम चले गए तो पूजा में आज क्या हम पूजा कर जाएंगे। हमने कई लोगों से बात की है, ऑटो चालकों से भी बात की है, उनके संगठन के नेताओं से भी बात की है और आम लोगों से भी बात की है। तमाम लोगों का कहना है कि बंदी की सूचना उन्हें पूर्व में नहीं दी, खासकर जो यात्री है उन्हें परेशानी हो रही है, जो लोग ट्रेन के माध्यम से दूसरे जगह से आए हैं उन्हें परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परेशानी कुछ इस तरह की है कि अचानक से लोगों को ये पता चला, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार इसका नहीं हुआ था और जिस तरह से केंद्र सरकार का निर्णय है उसी के विरोध में यह बंदी आयोजित की गई है, लेकिन इसका बड़ा खामियाजा जो है आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से सफर करने के लिए पहुंचे हुए हैं या फिर जो लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं या कहीं बाहर से पहुंचे उन परेशानी हो रही है। आप कुछ महिलाएं यहाँ पर मैम कितनी परेशानी हो रही है बंदी से आप लोगों को? कहाँ जाना है हम लोगों को? घूमने जाना है। अच्छा, घर जाने के उसमें पता नहीं था? नहीं 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 पता। नए साल से कहाँ घूमने जाना था? बाहर। क्या मैथल वगैरह जाना था? चलिए, आप कहाँ से रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से? बिल्कुल। आप लोग भी परेशानी है बाबू? बंदी पता चला है, ये पता चला कि बंदी है, हम लोगों को तो पता नहीं था, घर से निकले तो यहाँ पता चला कि आज बंदी है। तो भाई अब जाना है कैसे, देख रहे गाड़ी मंगा रहे तो वापस ही जाना पड़ेगा, दूसरा गाड़ी देखते हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस बात से नाराज हैं कि पहले बेहतर तरीके से या फिर व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया और अचानक बड़े स्तर पर जो हड़ताल हो गई है इससे लोगों को परेशानी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कुछ लोग नए साल के मौके पर पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाना चाह रहे थे और जब उन्हें धनबाद के इस जगह पर पहुंचने पर या फिर जो लोग बाहर से ट्रेनों के माध्यम से यहां धनबाद पहुंचे हैं उन्हें जब वाहन नहीं मिल रहे हैं तो और सवारी गाड़ी जब नहीं मिल रही है तो उन्हें जो परेशानी हो रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में उन्हें खींचने वाला है, परेशान करने वाला है और लोग सरकार को कहीं ना कहीं दोष देते हुए दिख रहे हैं। सहयोगी मुंडा के साथ राजकुमार जायसवाल, 22 धनबाद।